गैस, क्या आप ऐसी कोई जगह के बारे में जानते हैं जहां पर इंसानों से ज्यादा बिल्लियां पाई जाती हैं? क्या आपने कोई ऐसा हिल्स देखा है जो दिखने में एकदम चॉकलेट के जैसे दिखाई देता हो, या फिर कोई ऐसी गुफा देखी है जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों में हड्डियां एक साथ रखी गई हों? फ्रेंड्स, आज मैं इन्हीं जगहों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, जापान में आयोशिमा एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां पाई जाती हैं और उस प्लेस को कैट आइलैंड कहते हैं। दोस्तों, वहां पर इतनी ज़्यादा बिल्लियां पाई जाती हैं इस वजह से वहां के लोग उन बिल्लियों के लिए एक मंदिर भी बना है जिसका नाम उन्होंने कैट श्राइन कार्ड निको जिंजा रखा। नंबर 2, गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साथ लाखों हड्डियों को एक साथ रखा गया है वो भी सेट करके, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, पेरिस में एक ऐसी जगह है जिसका नाम फ्रेंच कैटबस है। वहाँ पर लाखों में हड्डियों को एक साथ रखा गया है क्योंकि वहाँ के कब्रिस्तानों में इतनी लाशें रखी गई थी कि वहाँ पर और लाशें रखने के लिए जगह नहीं थी। तब वहाँ के लोगों ने लाशों को जमीन में रखना शुरू कर दिया था। बता दें आपको कि वहाँ पर अभी 60 लाख से भी ज्यादा हड्डियों को एक साथ रखा गया। यह फ्रेंच कैटबस लगभग 200 मीटर लंबा है और यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं। नंबर 3, फिलिप्स बहोल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर चॉकलेट हिल्स पाया जाता है और वह दिखने में एकदम चॉकलेट के जैसे दिखाई देता है। आपको बता दें कि यह चॉकलेट हिल्स लगभग बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे कि यह चॉकलेट की जैसे कैसे दिखाई देती है, तो आपको बता दें कि यह चॉकलेट हिल्स एक चूना पत्थर से बना है और इस पर बहुत सारी घासें लिपटी रहती हैं और जब गर्मी पड़ती है तब यह घासें सूख जाती हैं और यह एकदम चॉकलेट के जैसे दिखाई देने लगती हैं। नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने कितने बड़े क्रिस्टल को देखा है? इतना, इतना या फिर इतना? अभी तक आपने इतने ही क्रिस्टल को देखा होगा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर इतने सारे क्रिस्टल पाए गए हैं कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। उस प्लेस का नेम है गेंड केव क्रिस्टल। यहां पर आपको इतने सारे क्रिस्टल देखने को मिलेंगे कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा और यह क्रिस्टल लगभग 50,000 साल पुराने हैं। बता दें आपको कि यह सिराडा दे नाइका पर्वत से लगभग 984 फीट नीचे हैं। इस गेंट केव क्रिस्टल की खोज 2002 में दो भाइयों ने की थी। ये क्रिस्टल जिप्सम नाम के केमिकल से बने हुए हैं जिसका यूज बुक, ब्लैक बोर्ड, क्लॉथ एंड सीमेंट को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ये क्रिस्टल कैल्शियम सल्फेट और मैग्मा की गर्मी के वजह से 26 साल पहले ही बनना शुरू हो गए थे और यह अब इस तरह दिखाई देने लगे। गाइस, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।